टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? टीचर्स डे कब पहली बार मनाया गया था इंडिया में और टीचर्स डे किसके लिए मनाया जाता है? तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, जो आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गई होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टीचर्स डे सेलिब्रेशन आज यानी 5 सितंबर को पूरे इंडिया में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश के एक महान व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था और वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन ये है कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता? जब 1962 में सर्वपल्ली जी के कुछ छात्रों ने उनका जन्म दिवस आयोजित किया था, तभी उन्होंने कहा था कि मेरे जन्म दिवस को सिर्फ मेरे लिए अलग से मनाने के बजाय यदि इसे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए तो मुझे सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति होगी। और जब वो 1962 में राष्ट्रपति बने, तभी से उनका जन्म दिवस को ही टीचर्स डे के रूप में पूरे इंडिया में मनाया जाता है। और उनका मानना था कि जो एक टीचर का दिमाग होता है वो देश के सबसे बेहतर दिमाग होता है। और सर्वपल्ली जी का भारत में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही बड़ी योगदान रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और टीचर डे किसके लिए मनाया जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा से भी अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना। और आज आप लोग टीचर डे में क्या क्या करने वाले हो, अपने टीचर्स के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके जाने वाले हो, वो भी कमेंट करना। अगर टीचर्स डे खत्म हो गया उसे करके ये वीडियो आप लोग शाम में देख रहे हो, तो क्या क्या उनको दिया, क्या क्या गिफ्ट दिया, उन लोगों ने आप लोगों को क्या क्या बताया, वो भी कमेंट में करना। तो आज के लिए बस नहीं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करना एंड बाय।